जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और चलिए आइए, आज एक क्विक अपडेट लेते हैं और पता करते हैं कि आपके हाथों में पैसे रुकेंगे या नहीं, या आप बहुत ज़्यादा खर्चीले होंगे, आपकी खुद की इनकम कैसी होगी या आपको दूसरे से मिलेगी। सबसे पहले जो ये पाम आप हमारे सामने देख रहे हैं, इसमें उंगलियों की स्थिति आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप बस इस क्षेत्र की स्थिति को देखें और इसके बीच में जो यहाँ पे गहराई है उसका अवलोकन करें, और जो आगे मैं और दो स्लाइड लाऊंगा उसमें भी आप देखना। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि इसमें कहीं भी थोड़ा भी गैप और गहराई जैसी स्थिति नहीं है अंदर की तरफ, ठीक है। बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है। ये कौन सी स्थिति को दर्शाती है? ये स्पष्ट तौर पर दर्शाती है कि व्यक्ति पैसों के मामले में बहुत सख्त होगा, यानी कि वो कुछ भी व्यर्थ का और बेकार में खर्च करने में उसकी कोई रुचि नहीं होगी और एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला होगा। इसके अलावा, जिसे आप शुद्ध रूप से कंजूस कर सकते हैं, ऐसी स्थिति इस व्यक्ति की होती है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छे त्रिभुज की स्थिति बनी हुई है। यह स्पष्ट तौर पर अब बता रही है कि जातक खुद से अपने जीवन में काफ़ी अच्छी आर्थिक तरक्की, यानी कि फिनेंशियल प्रोग्रेस उसके लाइफ में होगी और खुद से वो काफ़ी पैसे बनाएगा और उसे संभालेगा भी, और एक अच्छा बैंक बैलेंस उसके लिए एक बन के रहेगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम बताएंगे इनके बीच जो गैप होता है उसका क्या मतलब होता है। अब चलिए हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या है। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा गैप देख रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ ये जा रहा है, लेकिन इसमें आर पार जैसी स्थिति नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सीधे तौर पे स्पष्ट बताती है कि जातक पैसों के मामले में इसके पास स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन ये बस काम की चीज़ों में ये व्यक्ति खर्च करना पसंद करेगा, यानी कि जिसे आप 100% कंजूस भी नहीं कर सकते और बहुत ही ज़्यादा खर्चीला भी नहीं कर सकते। ये सही चीज़ों पे खर्च करने में कहीं झुकेगा भी नहीं और गलत चीज़ों में किसी भी स्थिति में पैसे नहीं लगाएगा। लेकिन जातक दूसरों के कारण और दूसरों की मनमानी के कारण, या आप बोलो कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि चलो आप कर लो, बहुत ज़्यादा अगर कोई प्रेस करे तो व्यक्ति कभी कभी कुछ गलत चीज़ों में भी निवेश करने से चुकेगा नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब चलते हैं तीसरे स्लाइड पे और वहाँ से जानते हैं वहाँ क्या स्थिति बनेगी। अब जो स्लाइड हमारे पास है, इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बाहर से अंदर से बाहर की तरफ बिल्कुल गैप नज़र आ रहा है और पीछे की तस्वीर हमें नज़र आ रही है। जब आपके पाम में, खासकर इन दोनों उंगलियों के बीच, इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में, फर्स्ट फोर के बीच में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आर पार दिखने लगे, मतलब ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होगा और इन व्यक्ति की जितने भी पैसे इनके पास आएंगे वे खर्च करने से कहीं नहीं चुकेंगे, नहीं सोचेंगे कि आगे हमारे साथ चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी, नहीं होंगी, और हमेशा एक खर्च करने में लगे रहेंगे। इस कारण इनके जीवन में कभी कभी आर्थिक समस्या भी आती ही रहेगी। लेकिन एक आदर्श स्थिति होती है, अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि अगर आप खर्च हो रहा है मतलब पैसे आ तो रहे हैं ना, और पैसे अगर हैं तो उनका यूज होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी को एक जगह बैठा के रखोगे ना तो खराब हो जाती है धीरे धीरे। जैसे कि आप किसी पॉन्ड को ले लो, किसी तालाब को ले लो, पानी वहाँ पे जमा होता है ना, तो धीरे धीरे पानी सूख जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, और वही नदी जो होती है ना वो हमेशा चलती रहती है। तो किसी चीज़ को रोक के मत रखो, उसे प्रवाहित होने दो। तो ऐसी स्थिति हमेशा सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। अब इसी में एक और सिचुएशन होती है, इस ऊपर में दूसरे पोर के बीच में अगर गैप जैसी स्थिति बन रही हो, तो अगर यहाँ पे गैप बन जाए ना, तो कभी कभी आपके ये अत्यधिक खर्चीला स्वभाव आपको अपमान की स्थिति में ला के खड़ा कर देता है, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपके लिए बना देता है कि आपको अफसोस होता है कि काश मैंने उन पैसों के बचाया होता तो आज बुरे वक्त में मेरे लिए काम आता। क्योंकि यही स्पष्ट तौर पे बताती है कि व्यक्ति प्लानिंग कर करके कुछ चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाता है और जल्दीबाजी में जैसे मन करे वैसी चीज़ों को खर्च खर्च देता है, और ये उसे आगे उसके लाइफ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो ये था एक क्विक अपडेट। बहुत सारे रीजन जिम्मेदार होते हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन उस शॉर्ट टर्म में आप यहाँ से काफ़ी कुछ समझ सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और सेकेंड जो गैप होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।